हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुनमुन की रसोई। आज हम मुनमुन की रसोई में बनाएंगे पत्ता गोभी और गाजर मटर से बहुत ही टेस्टी और सुबह का बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं। तो चलिए आइए जान लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है पैन, रिफाइंड ऑयल यानी कि मैं मूंगफली का तेल का यहाँ पे यूज कर रही हूँ। एक चमेंगे यहाँ पे जीरा, एक चम्मच कुटी हुई सौंफ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल सौंफ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। छोटी प्याज उसको डाल देंगे, फ्लेम हाई टू मीडियम रहेगा और बस जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा, यहाँ पे मैंने बाउल में लिया है मटर, मटर डाल देंगे, ढक देंगे और इसको कुक होने देंगे। बहुत ही सिंपल सी डिश है गाइस, आप जरूर अपने घर में ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। देखिए 5 से 7 मिनट बाद देखिए प्याज कितने अच्छे से भुन गए हैं, मटर भी चेक कर लेते हैं, मटर भी हमारे बहुत अच्छे से हो गए हैं। तो मैशर की हेल्प से मैश कर देंगे। अदरक और मिर्च का पेस्ट बनाया है मैंने, तो 2 चम्मच यहाँ पे हम भर के डाल देंगे, मैश कर देंगे। देंगे पत्ता गोभी, गाजर भी डाल देंगे इसी में और अच्छे से इसको भून लेंगे। इसी में हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे, नमक टेस्ट अनुसार, 2 पिंच हल्दी, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा 1 चम्मच, थोड़ी सी यानी कि 2 पिंच इतनी काली मिर्च, 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, ये डालेंगे यहाँ पे पिज्जा सीजनिंग। मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, आपके पास हो तो डालिएगा, अदरवाइज आप पूरी तरह स्किप कर सकते हैं इसको। बहुत अच्छे से अब ये भून चुका है, आप देख सकते हैं ड्राई ड्राई सा लग रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा टेस्ट इनहेंस करने के लिए इस पूरी इतना टमाटो केचप डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप चाहे तो डालें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकती हैं। पनीर बची हुई थी थोड़ी सी तो मैंने इसको कद्दूकस कर दिया है, इसको भी डाल दे रहे हैं। अगर आपने एक बार ये खा लिया तो यकीन मानिए आप अपने घर में इसको बार बार बनाना चाहेंगे। देखिए 1 मिनट हो गया है इसको भूनते हुए और ये बहुत अच्छे से भून चुका है। यहाँ धनिया रखी हुई थी, धनिया डाल देंगे, इसको कर देते हैं मिक्स, गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और मिक्सर को हम होने देंगे थोड़ा सा ठंडा, पराठा बना लेते हैं। कुछ स्पेशल तरीके से आपको पराठा दिखाऊंगी, जैसे हम पराठे के लिए डो नीड करते हैं सॉफ्ट, वैसे ही नो डो हमने यहाँ पे नीड किया है। तो बस यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे सेंटर से इस तरह से, और जो हमारी स्टफिंग है उसको यहाँ पे रखेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, मेरे पास थोड़ी सी चीज पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा बच्चों के लिए मैं कुछ हेल्दी सा बना रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा चीज डाल दूं तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ये टोटली ऑप्शनल है गाइस, आप इसको ना डालना चाहे तो बिल्कुल मत डालिएगा। अब इसको हमें इस तरह से उठा लेना है, ऐसे प्रेस कर देंगे, फिर यहाँ पे ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे टक कर देंगे और लास्ट ये ना बिल्कुल हमारे ट्रायंगल पराठे की तरह। थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर लेंगे, गाइस ये बिल्कुल नहीं फटते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे तवा गर्म हो गया है, डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसको सेकेंगे हम। मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से, जिससे आपको कोई बनाने में दिक्कत ना आए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपको और दिखा देती हूँ, पीस से कट करेंगे, स्टफिंग को हम इसमें फिल करेंगे।
के पराठे हम ऐसे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा चीज लगा दे रही हूँ यहाँ पे। अब इसको हमें इस तरह से उठा लेना है, ऐसे प्रेस कर देंगे, फिर यहाँ पे ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे टक कर देंगे और लास्ट। और आप देख सकते हैं मैंने फिलिंग बहुत अच्छे से भरी है, बस इसको थोड़ा सा टक कर देना है अच्छे से। पराठे को हम पलट देंगे। ये देखिए पीछे का भी पोर्शन हमारा पक गया है अच्छे से। यहाँ पे रिफाइंड में लगा दे रही हूँ। क्रिस्पी करारे पराठे हमारे बनके रेडी है। चलिए आइए प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए सर्व किया है रेड टमाटर की चटनी के साथ। और चलिए मैं आपको एक कट करके भी आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी फिलिंग हुई है गाइस। और चीज भी आप देख सकते हैं, ये देखिए कैसे खिंच रहा है, लुक एट दिस। तो आप भी अपने घर में बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।